मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत कई मानों में हो चुकी है। सुशासन का नारा देने वाले क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तीन सीसी है नीतीश कुमार के पास, या थे, अभी हो सकता है नहीं होगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, यही दलील दे करके 2017 में लालू यादव का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था। लेकिन क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म वाले मामले में नीतीश कुमार अब फेल नजर आते हैं, इसलिए अब वो अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अनंत सिंह के बारे में आप जानते हैं, एक वक्त नीतीश कुमार को चांदी के सिक्के से तौल दिया था, लेकिन अब अनंत सिंह जेल से बाहर है। जेल से बाहर है, इससे पहले आनंद मोहन को कानून बदल करके नीतीश कुमार ने, जो नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की दुहाई देते हैं, उन्होंने उनको छोड़वा दिया, जेल से वो बाहर आ गए, सजा उजा सब माफ कर दिया, सरकार ने अपना कानून ही बदल दिया आनंद मोहन के लिए। और अनंत सिंह के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी से मदद की कि जेल से बाहर निकलवा दिया। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की फजीहत होनी शुरू हो गई कि अरे भैया आपका कैसा सुशासन है कि आप सारे बाहुबली, सारे दबंग और सारे क्रिमिनल को आप छोड़वा देते हैं। तो ऐसे हालात में नीतीश कुमार अपनी शर्मिंदगी का, समझिए कि एक तरह से भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए कि हाई कोर्ट ने साक्ष्य न होने को आधार बनाया और अनंत सिंह को बेगुनाह साबित कर दिया। जिस अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल बरामद हुई, उसी बरामदगी के बावजूद नीतीश कुमार के शासन में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग ये साबित नहीं कर सके कि वो AK-47 था किसका, AK-47 आया कहां से था। लोगों के जहन में, दिमाग में ये सवाल है कि आखिर भाई जब आनंद सिंह का AK-47 नहीं था, लिपि सिंह ने बरामद किया, जो आरसीपी सिंह की बेटी थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता, उसी जात के नेता, उसी जिला के नेता, तो आखिरकार सवाल लोग ये कह रहे हैं कि AK-47 आनंद सिंह का नहीं था जिसको कोर्ट ने माना, तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार ये बताए कि AK-47 था किसका, वो AK-47 आया किसका, या तो सरकार का होगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का होगा, कोई आला अधिकारी किसी का होगा। जब अनंत सिंह का नहीं था, कोर्ट ये मान चुका है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी फजीहत हुई इस मामले में कि भाई किसी राज्य का मुख्यमंत्री और उनके उनके शासन में बैठने वाले लोग, उनके पुलिस अफसरान ये साबित नहीं कर सके कि AK-47 अनंत सिंह का था, अनंत सिंह बेगुनाह साबित हुए और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसे हालात में ये सवाल है कि 47 आया कहां से, वो था किसका, किसी ना किसी का तो होगा, भूत या जिन्नात ने AK-47 वहां रखा नहीं होगा, किसी व्यक्ति ने ही रखा होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शर्मिंदगी से, इस फजीहत से बचने के लिए अनंत सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो ये अपील कर सकते हैं कि आनंद सिंह को फिर से दोबारा जेल में डाला जाए। इस तरह की बातें हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को, मतलब क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म के जाल में न फंसा ले, इसलिए ये प्लानिंग चल रही है कि आनंद सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए।